Rahmanir Rahim welcome to sandal college voice section online class second year dear students assalamu alaikum here is akhtar said your english teacher today we are going to discuss lesson number 14 of english book 2 second year the name of the lesson is louis pasteur this is the fourth hero ंग्लिश बुक टू डियर स्टूडेंट्स ये एक लेंथी लेसन होने की वजह से मैंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट वन ऑफ थ्री जब ये तीनों पार्ट कम्प्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपकी आसानी के लिए लुई पेस्टर की कम्प्लीट वीडियो भी अपलोड कर दूँगा टुडे वील डिस्कस टू पेजिस पेज नंबर सिक्सटी सिक्स एंड सिक्सटी सेवन louis pasteur has been written by margaret avery margaret avery wrote a wonderful book six great scientists in 1923 in which she penned down six great scientists of the 19th century their names are there on your screen louis pasteur is also included in the list of this book margaret avery is कि इन अज़ीम साइंसदानों के कारनामे तो हमारे सामने आ जाते हैं लेकिन ये किस कदर कठन हालात से गुज़र कर यहाँ पहुँचे हैं वो अक्सर हमारी आँखों से ओझल रहते हैं तो मार्गरेट एवरी ने जहाँ इन अज़ीम साइंसदानों के कारनामों के बारे में हमें बताने की कोशिश की है वहाँ उन्होंने उन हालात का भी जिक्र किया है कि किस कदर कठिन और मुश्किल हालात से इनका सामना रहा है लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया के सामने अपना एक मकाम बनाया लुई पेस्टर भी इनमें शामिल है नाउ लेट्स डिस्कस द ब्रीफ समरी ऑफ लुई पेस्टर डियर स्टूडेंट्स लुई पेस्टर कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज नंबर वन लुई पेस्टर्स अर्ली लाइफ Number two, Louis Pasteur's patriotism, Yani Hubbal Watani Watan Se Muhabbat. Number three, Louis Pasteur's private life, unki zaati zindagi Number four, Louis Pasteur's achievements. Now let's discuss them one by one. Number one, his early life. Louis Pasteur was born in France in 1822. When he was a boy, he was not very much interested in his studies. Rather, he was interested in fishing and making sketches of his friends. Soon he realized that he was a drain on his family funds, so he developed a passion for studies. He was so much interested in chemistry, and he often disturbed his chemistry professor with unanswered questions. Now number two, his patriotism. ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियाट एक अजीम मुहब वतन थे और उनको हुबल वतनी अपने फादर से विरासत में मिली थी उनके फादर नपोलियन की आर्मी का हिस्सा थे और उन्होंने द क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर का एवार्ड भी हासिल किया था वंस ही रेड अ नोट द नोट वॉज डोनेट फॉर द कंट्री एंड ही एट वंस डोनेटेड ऑल हीज़ वर्ल्डली वेल्थ दैट इज़ वन फिफ्टी फ्रेंक्स टू हिज़ कंट्री इन एटीन सेवेंटी He tried to enroll in the National Guard during. Franco Prussian War, but he was refused on physical grounds. He also returned his diploma to the University of Bonn, Germany, expressing his hatred against Germany. Number three, his private life. Louis Pasteur married the daughter of the rector of Strasbourg Academy in 1850. It is said that he was so busy in his work that he completely forgot his wedding day and his. ज फ्रेंड फेस्ट हिम नाउ नंबर ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में बहुत से लोग समझते थे कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग क्रीचर्स तखलीक पा सकती हैं और लुई पेस्टर ने हमेशा के लिए इसको साबित कर दिया कि इट इज नॉट अफेक्ट मेकिंग ऑफ बियर फ्रांस में बहुत अच्छी शराब पैदा नहीं की जाती थी तो इन्होंने 1870 के बाद जब इनकी जर्मनी के साथ जंग हुई तो इन्होंने मेकिंग ऑफ़ बेयर पे रिसर्च शुरू कर दी कि किस तरह से बेहतर शराब तैयार की जा सकती है यह चाहते थे कि फ़्रांस में भी उतनी अच्छी शराब पैदा की जा सके जितनी अच्छी जर्मनी में पैदा की जाती है और आखिरकार इन्होंने इसका बड़ा ज़बरदस्त एक तरीका दरियाफ़त कर लिया जिसकी वजह से स की इकोनमी सिर्फ इस बेयर की इंडस्ट्री से बहुत ऊपर चली गई लुई पैस्टर सेव्ड द सिल्क इंडस्ट्री 1849 के बाद इनकी सिल्क इंडस्ट्री जवाल का शिकार हो गई और अल्टीमेटली हजारों खानदान जो थे वो इससे मुतासर हुए तो 1865 में गवर्नमेंट ने लुई पेस्टर को वहाँ भेजा और इन्होंने दिन रात काम करके सिल्क इंडस्ट्री को दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा कर दिया लुई पेस्टर डिस्कवर्ड द रेमेडी ऑफ कैटल डिजीज़ एंथ्रैक्स और उसकी वजह से हज़ारों लाखों जानवरों को बचाया गया ही also discovered द रेमेडी ऑफ प्योर fever फ़ीवर जो जिचगी का एक बुखार है बहुत सारी खातें डिलीवरी के दौरान इस बीमारी का शिकार हो जाती थी प्योरपेल फीवर का तो लुई पेस्टर ने इसकी रेमेडी डिस्कवर की आज लुई पेस्टर का शुक्रिया कि दुनिया इस बीमारी का नाम तक भी नहीं जानती ही ऑल्सो डिस्कवर द मैथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन और पूरी दुनिया के लोग वैक्सीन से आज फ़ायदा उठा रहे हैं हिज़ वर्क ऑन हाइड्रोफोबिया देट इज़ रेबीज़ जो एक बाउलेपन की बीमारी है पागल कुत्ते के काटने से हो जाती थी तो आज पूरी दुनिया में लाखों लोगों को इस बीमारी के असरा से बचाया जा चुका है लास्ट बट नाट द लीस्ट मोटिवेशन फॉर अदर साइंटिस्ट और लॉट ऑफ साइंटिस्ट गाट इंस्परेशन फ्रॉम हि सक्सेस एंड दे ऑल्सो स्टार्टिड स्टडियंग द हैबिट्स ऑफ डिफरेंट जर्म्स एंड डिस्कवर द रेमिडीज ऑफ Countless diseases. At the end, Louis Pasteur died in 1895 and was buried in Pasteur Institute. Dear students, his services will never be forgotten. Dear students, let me present the one and only Louis Pasteur, legendary chemist and biologist now dear students we'll start on page number 66 here in the first paragraph of louis pasteur we'll discuss one question that is describe pasteur's early life pasteur was born in quite humble circumstances humble means ordinary modest circumstances means conditions he was born in ordinary conditions he was born in quite modest कंडीशंस यानी हालात बहुत अच्छे नहीं थे एट डोल इन द ज्यूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस इन 1822 हिज़ फादर एज अ यंग मैन हैड बीन वन ऑफ नपोलियंस कंस्क्रिप्ट कंसक्रिप्ट्स कहते हैं सोल्जर्स को रिक्रूट को फौजी को तो वो नपोलियन की आर्मी का हिस्सा थे एंड हैड वन द क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर ऑन द फील्ड ऑफ बैटल फॉर वैलर वैलर मीन्स करज एंड फिडेलिटी फिडेलिटी मीन्स लॉयल्टी वफादारी इसका मतलब है दस द सन वॉज फॉर्चुनेट फॉर्चुनेट मीन्स खुशकस्मत लकी इन प्रोजेसिंग प्रोजेसिंग मीन्स हैविंग फोर बियर्स फोर बियर्स एंड सेस्टर्स फोर फादर्स अबाव अजदाद और कैरेक्टर एंड स्ट्रेंथ दस द सन वॉज फॉर्चुनेट इन प्रोजेसिंग फोर बेयर्स ऑफ कैरेक्टर एंड स्ट्रेंथ यानि बच्चा खुशकस्मत था कि उसके जो आबाव अजदाद थे वो किरदार और मज़बूत इंसान के बहुत मज़बूत इंसान थे देर इज़ मच एविडेंस एविडेंस मीन्स प्रूफ ऑफ द इन्फ्लुएंस इन्फ्लुंस मीन्स अफेक्ट असर ऑफ द फादर आन हि सन यानी बहुत बड़ा सबूत मौजूद है जो कि उनके बाप का उनके बेटे पे असर था पैस्टर शोइंग टाइम आफ्टर टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ हिज डिवोशन डिवोशन मीन्स डेडिकेशन कमिटमेंट टू फ्रांस Here we will be discussing two questions. Number one, how was Pastor more of a patriot than of a scientist? Number two, why did the military authorities refuse to enroll Pastor in the National Guard? I tell you, dear students, both the questions are very important from the examination point of view. Question number one starts here that is, how was Pastor more of a patriot than of a scientist? Ke kaha jata hai, के पेस्टर साइंसदान होने की नस्बत ज्यादा मुहबे वतन थे वतन से मुहबत करने वाले थे कैसे ही वॉज पर हैप्स इवन मोर ऑफ अ पेट्रियट दैन ऑफ अ साइंटिस्ट पेट्रियट मीन्स नेशनलिस्ट देट इज़ इन 1848 फोर्टी एट वेन योरप वॉज पोलिटिकली अपहीफ अपही डिसऑर्डर्ड उसमें बहुत ज़्यादा अबतरी आ गई थी सियासी तौर पर तो पेस्टर एंड रोल्ड हमसेल्फ एन रोल्ड रजिस्टर्ड हिमसेल्फ़ इन द नेशनल गार्ड एंड सींग वन डे इन द प्लेस ड्यू पेंथियन अ अट ऑफ ऑल्टर ऑल्टर मीन्स प्लेस ऑफ सेक्रीफाइस यानी कुर्बान की किस्म की कोई वो जगह थी लेबल्ड जहाँ लिखा हुआ था ऑटल डीला पैट्री ऑटल डीला पैट्री मीन्स डोनेट फॉर द कंट्री ही प्रॉम्प्टली प्रॉम्प्टली मीन्स क्विकली प्लेस्ड ऑन इट ऑल हिज वर्ल्डली वेल्थ दैट इज़ वन फिफ्टी एंड in 1870 from here second question starts that is why did military authorities refuse to enroll pastor in the national guard in 1870 he was returning from germany to france and at strasbourg heard that france was on the verge of war verge means edge france was on the edge of war with germany whereupon he hurried रिड मीन्स राष्ट्र बड़ी तेजी से वो भागे पेरिस की तरफ एंड वॉज एक्सीडिंगली एक्सीडिंगली एक्सट्रीमली ग्रेटली डिसअपइंटेड वन द मिलिट्री अथॉरिटीज रिफ्यूज टू एनरोल हिम इन द नेशनल गार्ड ऑन द स्कोर ऑन द स्कोर आन द रीज़न इस वजह से दैट आ हाफ पैरालज्ड मैन पैरलाइज्ड हैंडी कैप्ट पे फालिज का एक हमला हो चुका था वॉज यूजलेस इन द आमनी यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है अगर ये क्वेश्चन आता है हाउ वॉज पेस्टर मोर ऑफ अ पेट्रियट दैन ऑफ अ साइंटिस्ट फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी दोनों क्वेश्चन मिला के लिखेंगे अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है वाई डिड द मिलिट्री अथॉरिटीज़ refused to enroll pastor in the National Guard national guard tab up in 1870 say start karke Pirab he had a paralytic stroke two years before in 1868 and he never shook off shook off means ट रेड ऑफ़ और वो कभी भी इनके असरा से छुटकारा ना पा सके एंड नवर शोक ऑफ द फिज़िकल इफ़ेक्ट्स उनके जो जिसमानी असरात थे उनसे वो कभी भी छुटकारा ना पा सके दो आफ्टर टू जीयर्स ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिज़ मटल वर्क एज़ वेल एज़ एवर बिफोर जैसे वो पहला काम पहले काम किया करते थे जहनी काम वो फिर दो साल के बाद वो कम से कम उनके उनका जहन महफूज रहा था इस स्ट्रोक से इस फालज के हमले से और वो पहले की तरह वो काम करने लग गए we'll डिस्कस वन क्वेश्चन हियर दैट इज what was पेस्टर इंटरेस्टेड इन हिज बॉयहुड हाईवर टू रिटर्न टू हिज़ बॉयहुड, बॉयहुड लड़कपन को कहते हैं वैन ही वॉज टू शीयर्स ओल्ड द फैमिली मूव्ड फ्राम डोल टू आरबुआ ये आर बुइज़ बाज को इसे पढ़ते हैं बच्चे तो आरबुआ आर बुआ ये फ्रेंच वर्ड है आरबुआ वेयर हिज़ फादर बॉट आ स्मॉल टैनरी Tannery means leather factory, and here pastor. From here, actually, the answer of this question starts that is, what was pastor interested in his boyhood? Pastor was sent to school at the communal college, where at first he showed no interest whatever in books or study but devoted his attention to fishing and making sketches of his companions. Sketches means drawings. However, directly, directly soon, he grasped. ग्रेस्ट मीन्स अंडरस्टूड द फैक्ट दैट हिज एजुकेशन वॉज अ ग्रेट ड्रेन ड्रेन मीन्स बर्डन आन द फैमिली फंड्स एंड ही सेट हिमसेल्फ इन अर्नेस्ट अरनेस्ट मीन्स सीरियसली एट स्कूल उन्हें एहसास हो गया कि वो जो ख़ानदान के फंडस हैं उनका जो पैसे पर बहुत बड़ा बोझ हैं तो वह फिर जल्द ही स्कूल के मामलों में यानी अपनी तालीम में दिलचस्पी लेना शुरू हो गए एंड सोन डिवेलप्ड द पैशन Passion means spirit or jazba kar for work which marked the whole of the rest of his life. Here are two paragraphs and two questions will be discussed separately. Number one, from where did pastor graduate? Number two, how did pastor embarrass his professor of chemistry? Question number one starts here, that is from where did pastor graduate? The college at Arbua did not teach philosophy, and so after a time. पेस्टर वेंट ऑन टू बेजासन अ बिगर प्लेस विद बेटर एजुकेशनल प्रोविजन्स प्रोविजन्स मीन्स फैसिलिटी बेजासन एक बिगर प्लेस थी और यहाँ एजुकेशन की ज़्यादा सहूलियात मैसर थीं इसलिए पेस्टर जो थे वो आरबुआ से बेजासन शिफ्ट हो गए वहाँ चले गए हियर ही ग्रेजुएटड इन साइंस एंड आर्ट्स एंड वॉज गिवन अ पोस्ट ऑन द कॉलेज स्टाफ From here second question starts that is very interesting question. How did pastor embarrass his professor of chemistry? He was already much interested in chemistry too much so for the professor of that subject at Besançon whom a pastor used to embarrass एम्बेरस मीन्स कन्फ्यूज़ अपसेट विद अन आंसरेबल क्वेश्चनस वो कैमिस्ट्री के प्रोफेसर को अन आंसरेबल क्वेश्चनस के साथ एम्बेरस कर देते थे उन्हें परेशान कर देते थे चूँकि ये ख़ुद इन कैमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे इसलिए ऐसे ऐसे कभी कभार सवाल करते कि उनके सर के पास भी उन कोश्चन्स का आंसर नहीं होता था द प्रोफेसर इन क्वेश्चन डिसअप्रूवड डिसअप्रूवड मीन्स डिसाइकड सेइंग आई डोंट नो तो उनके प्रोफेसर को ये अच्छा नहीं लगता था कि वो पेस्टर से ये कहें कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता एंड यूज टू ट्राई टू कीप पेस्टर इन हिज प्लेस और वो पेस्टर को चुप करा देते थे बाई टेलिंग हिम दैट क्वेश्चन वर टू बी आस्क्ड बाई द टीचर ऑफ द स्कॉलर एंड नॉट वाइसवर्सा वैसेवर्सा मीन इंस्टेड द अदर वे राउंड वो पेस्टर को ये कहकर अपनी जगह पर रखते थे उनको स्नब कर देते थे उनको डांट देते थे कि स्टूडेंट के टीचर uh, को क्वेश्चन करने का हक हाँ होता है और स्टूडेंट को अपने टीचर से कोई क्वेश्चन करने का हक हाँ नहीं होता इस तरह से वो कह के अपनी जान छुड़ा लेते थे डिस्कस वन क्वेश्चन दैट इज फॉर हाउ मैनी टाइम्स डेड पैस्टर अपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड वाई इन एटीन फोर्टी टू That is, when he was twenty. he went in for the entrance examination to the great इकोल नोमैल in Paris and came out 14th on the list. यानि वो इको नोमैल जो पेरिस में एक institute था उनके एंट्री टेस्ट में गए गए और 14th उनका नंबर आया मेरिट लिस्ट में वेअर अपॉन ही रिफ्यूज टू एंटर तो उन्हें बड़ी मायूसी हुई कि उनका जो फोटीन्थ नंबर आया है मेरिट लिस्ट में ये को बहुत अच्छा नहीं है इनक्रेजिंग नहीं है तो उन्होंने द दाखला ही नहीं लिया बींग सो एट नॉट गेटिंग अ हायर प्लेस ही डिसक द एग्जामिनेशन अगेन इन द फॉलोइंग ईयर एक साल पूरा वेट किया हालांकि दाखला उनका हो सकता था ऐसे अजीम लोग भी होते हैं वो बेहतर मार्क्स uh, चाहते थे बेहतर पोजिशन चाहते थे एंड वॉज फोर्थ ऑन द लिस्ट विच अपेरेंटली मोर और लेस सेटिस्फाइड हिम In the first paragraph of the next page that is 67 we'll discuss two questions number 1 when did pastor become deputy professor number 2 describe pastor's wedding both the questions are very important and second question is rather interesting ऐट दिस पॉइंट वन मे से अ वर्ड अबाउट हिज प्राइवेट अफेयर्स उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इन एटीन फोर्टी एट फ्रॉम हियर क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट देट इज़ वेन डेट पेस्टर बिकम डेपटी प्रोफेसर इन एटीन फोर्टी एट at the age of 26 he became deputy professor of chemistry in the university of strasbourg and here he from here second question starts that is describe pastor's wedding he met his future wife where at the university of strasbourg he met his future wife who was the daughter of the rector rector means principal chancellor actually rector is the head of more than one institutes so he was uh, the principal or chancellor or head of more than one institute that's why he was called rector of the strasbourg academy they were married in 1850 and it seems that pastor was so buried in his work so buried absorbed involved is kader is kader के ऑन द वेडिंग डे दैट ही एंटायरली एंटायरली कम्प्लीटली फोगाट द सेरेमनी सेरेमनी मीन्स इवेंट सेरेमोनियल यानी अपनी शादी के बारे में ही भूल गए कि आज उनकी शादी है और यहाँ हमारे बच्चों का क्या हाल होता है और वो अपनी शादी के बारे में ही भूल गए एंड ही हैड टू बी फेच्ड बाय अ फ्रेंड फेस्ट मीन्स ब्रॉट बाय अ फ्रेंड तो एक दोस्त जाके उनको लेके आए कि जनाब आ जाएँ आज आपकी शादी है The marriage, however, was extremely happy, and his wife seems to have been an important factor in her husband's work. The name of his wife was uh, Mary Pastor. One question will be discussed here in this paragraph that is, why did the French Academy offer a prize in 1860? And the whole paragraph is the answer to this question. In 1860, the French Academy offered a prize for the solution of the problem whether spontaneous generation was or was not a fact. मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि यह स्पॉन्टेनियस जनरेशन है क्या डियर स्टूडेंट्स द थेरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन मैंट दैट लिविंग क्रीचर्स कुड अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर ये एक कॉन्सेप्ट था कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग क्रीचर्स पैदा हो सकती हैं एंड दैट सच प्रोसेस वर कॉमन प्लेस एंड रेगुलर तो फ्रेंच अकेडमी ने एक कंपिटिशन कंडक्ट uh, किया कि ये प्रैक्टिकली साबित करें कि ये हकीकत है या नहीं है एंड पैस्टर एंटर्ड फॉर द कंपटीशन कंपटीशन मींस कॉन्टेस्ट मुकाबला एंड सेटल्ड द मैटर इस मसले को हल कर दिया वंस एंड फॉर ऑल इन द नेगेटिव वंस एंड फॉर ऑल ईडियम है जिसका मतलब है फॉर एवर फॉर गुड हमेशा के लिए नेगेटिव में साबित कर दिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन फैक्ट नहीं है प्रूविंग दैट इफ़ अ सब्सटेंस बी सफिशेंटली सफिशेंटली मीन्स एडिकेटली अप्रोप्रिएटली कि अगर किसी सब्सटेंस को मुनासब तरीके से हीटिड uh, उसे गर्म कर लिया जाए टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ कि उसके अंदर जितनी भी लाइफ है अगर वह मर जाए एंड इफ़ द एयर इन कॉन्टेक्ट विद इट बी फिल्टर्ड फिल्टर्ड मीन्स क्लीनड और उसके कॉन्टैक्ट में जो आने वाली हवा है अगर उसको फ़िल्टर कर लिया जाए क्लीन कर लिया जाए सो दैट इट इज़ फ्री ऑफ जर्म्स देन द सब्सटेंस डज़ नॉट ऑल्टर यानी बैक्टीरिया डू नॉट डिवेलप इन इट तो फिर उसमें बैक्टीरिया डिवेलप नहीं होगा तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन इन्होंने हमेशा के लिए नेगेटिव में साबित कर दिया कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग क्रीचर्स पैदा नहीं हो सकती सो so, एज़ यूजल हिज़ अपोनेंट अपनेट्स मीन्स मुखालफी हरीफ सेड दैट दे ओबेंड अपोज़िट रिज़ल्ट उनके जो हरीफ थे जो मुकाबले में आए थे उन्होंने कहा नहीं हमारे पास जो रिज़ल्ट हैं वो इनसे अपोज़िट हैं यानि वो ये समझते थे कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग क्रीचर्स पैदा हो सकती हैं

we'll discuss two questions here number 1 what was pastor's opponent's response on the day of competition number 2 which work of pastor was of great value and why question number 1 starts here that is what was pastor's opponent's response on the day of competition on the appointment day pastor appeared loaded with apparatus अपरेटस मीन्स इक्विपमेंट यानी अपने साजो सामान के साथ वो वहाँ आन पहुंचे हिज अपाउनेंट्स हाउ एवर हैड नन लेकिन उनके जो मुखालफिन थे वो कुछ भी नहीं लेके आए दे सेड द वैदर वॉज अनफेवरेबल एंड दे वुड लाइक टू वेट द कमीशन वेरी रिजनेबली रिफ्यूज रिजनेबली सेंसिबली उन्होंने आ, उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि मौसम का इससे क्या ताल्लुक है आप तजुर्बा करें अपना और साबित करें आपका जो क्लेम है पेस्टर डेड हिज एक्सपैरिमेंट सक्सेसफुली एंड वन द प्राइज

कई मिनटों तक उसको उबालने के बाद भी बैक्टीरिया पैदा हो जाता है बट आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री अबव बॉइलिंग पॉइंट ही फाउंड दैट नो बैक्टीरिया वर लेफ्ट अलाइव लेकिन एक बात का फिर हमें पता चला कि अगर बॉयलिंग पॉइंट से दस डिग्री ज़्यादा टम्परेचर कर दिया जाए उसे दस डिग्री ज़्यादा दर्जा हरारत तक उबाला जाए तो फिर किसी किस्म का कोई भी बैक्टीरिया दूध में नहीं रहता दिस वर्क ऑन स्पॉन्टेनियस जनरेशन से कोश्चन नंबर टू स्टार्ट होगा विच वर्क ऑफ पैसटर वॉज ऑफ़ अ ग्रेट वैल्यू एंड वाई दिस वर्क ऑन स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज ऑफ़ ग्रेट वैल्यू बिकॉज इट स्टिमुलेटेड स्टिमुलेट मोटिवेटेड उस उनको तहरीक दी उन्हें तरगीब दी उनमें शौक़ पैदा हुआ अदर साइंटिस्ट टू स्टडी द हैबट्स ऑफ जर्म्स उनके स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर कामयाब तजुर्बे के बाद दूसरे साइंसदानों में यह जज्बा पैदा हुआ शौक़ पैदा हुआ कि वो भी जरासीमों की आदात के बारे में स्टडी करें मुतालिया करें एंड मच आवर मॉडर्न नॉलेज ऑफ दिज इनिजिबल इनविजिबल अनसिन बट वेरी एक्टिव प्लान स्प्रेंगरेंट ग मीनस केम अपेयर्ड फ्राम पेस्टर्स डिस्कवरीज़ यानी ये ना देखे जाने वाले लेकिन बहुत फ़ाल किस्म के जो जरासीम हैं उनके बारे में आज का हमारा जदीद नॉलेज पेस्टर की दरियाफ्तों का मरहून मन्नत है उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया कि जरासीमों के बारे में स्टडी करनी चाहिए

France and Germany were plunged into war, plunged, jumped into war, and Pastor, ever intensely a lover of France. Intensely, strongly, a lover of France was filled with sorrow and anxiety. Sorrow, grief. Anxiety means worry and with loathing of Germany. Loathing means hatred, nafrat of Germany. He wrote to the University of Bonn, which had bestowed on him, bestowed, granted him the degree of Doctor of Medicine. after that his name should be removed from the faculty of the university and returning his diploma of which he speaks thus aur apna jo diploma tha wo university ko wapas kar diya aur sath ye likha today the sight of this parchment parchment means document यानी वो जो डिप्लोमा है उसका जो उसका देखने से is very odious to me odious means hateful डिसगस्टिंग बड़ा उसको तकलीफ होती है उसको देख के एंड आई फील ऑफेंडिड ऑफेंडिड इंसल्टिड हर्ट एट सींग माई नेम प्लेसड अंडर द पैटर्नेज पैटर्नेज मीन्स स्पॉन्सरशिप और नेम डूम्ड हीयर फॉरवर्ड डूम्ड हैंस फॉर्वर्ड टू एक्सिक्रेसन एक्सिक्रेशन मीन्स कर्स बाई माई कंट्री यानी मेरा नाम उस नाम के नीचे है कि मेरा मुल्क आज के बाद जिस जिसपे हमेशा लानत मलामत करता रहेगा देट ऑफ़ रेक्स गलेलिमस यानी वो कौन सा नाम था वो ये नाम था रेक्स गलेलिमस यानी इन ये उस डिप्लोमे में उसका नाम लिखा हुआ था और वो उसके नीचे मिस्टर पेस्टर का नाम लिखा हुआ था और वो समझते थे मुझे ये कबूल नहीं है क्योंकि वो नी से बेतहाशा नफरत करते थे नाउ विल डिस्कस वन क्वेश्चन हियर वाई डिड पैस्टर टर्न टू द स्टडी ऑफ ब्रूइंग यानी वो शराब कशीद करने के मुतालिया की तरफ क्यों रागब हुए हैविंग offered हिमसेल्फ़ एज़ अ सोल्जर where now नाउ ही वॉज़ on ऑन द स्कोर ऑफ़ स्कोर ऑफ़ ऑन द of ऑफ़ फ़िज़िकल incapacity, inability. इन एबिलिटी उनको वो स्ट्रोक हो गया था एटीन सिक्सटी एट में तो जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गए थे फालज के अटैक की वजह से जब वो सिल्क इंडस्ट्री में काम करने गया तो काम की ज़्यादती की वजह से उन पर अटैक हो गया तो एटीन में जब जंग हुई तो इन्होंने नेशनल गार्ड में अपने आप को एनरोल करवाने की कोशिश की तो उनको फिज़िकल इनकेपेसिटी की वजह से इनकार कर दिया गया तो फिर उन्होंने क्या किया दिस अनकंकरेबल मैन अनकंकरेबल मैन मीन्स अनबीटबल इनवेंसिबल नाकबले शिकस्त आदमी टर्न टू दोर्ड ऑफ साइंस जंग में तो वो नहीं जा सके तो वो साइंस की तलवार उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली एंड टुक अप द स्टडी ऑफ ब्रूइंग ब्रूंग मीन्स फरमेंटेशन मेकिंग बेयर यानी शराब बनाने का जो मतलब था उसकी तरफ वो राघब हो गए इन ऑर्डर टू डिसकवर आ मैथड वेयर बाई फ्रांस माइट प्रोड्यूस बेयर एज गुड एज दैट मैनुफैक्चरड इन जर्मनी मैनुफैक्चर प्रोड्यूस्ड यानी वो चाहते थे कि हम फ्रांस में रह कर ही इतनी अच्छी शराब पैदा करें इतनी अच्छी शराब बनाएं जितनी जर्मनी में बनाई जाती है ही इम्पार्टिड

बड़े ही रोशन रिमार्क के साथ आ, उन्होंने कहा एल्यूमिनेटिंग एक ऐसा वर्ड है असल में एल्यूमिनेशन आपकी एमडी डी कैट वकीबलरी में शामिल है आ, इसलिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम अभी से कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए तो उन्होंने क्या कहा जब उन्होंने अपनी डिस्कवरीज़ इंग्लिश ब्रूअर्स और फ्रेंच ब्रूअर्स को दी वी मस्ट मेक सम फ्रेंड्स फ़ॉर आर बिलव्ड फ्रांस कि हमें अपने प्यारे फ्रांस के लिए महबूब फ्रांस के लिए हमें कुछ दोस्त बनाए इन एटीन सेवन सिक्स दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन अ बुक कॉल्ड इट्यूड सोला बेरी यानी स्टडीज ऑन बेयर विच बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड इज द बेस्ट नोन ऑफ पैस्टर्स बुक्स इन इंग्लैंड और ये बेहतरीन किताब समझी जाती है वेयर इट हैज बीन ऑफ ट्रीमेंडस वैल्यू ट्रीमेंडस मीन्स ग्रेट वैल्यू इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री इंडस्ट्री मीन्स बिजनेस ट्रेड सेंटर कमर्शियल सेंटर भी इसका सिनोनिम हो सकता है कमर्शियल सेंटर और इंडस्ट्री पर्पल कलर में है तो ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आपकी एम डी कैट वकीबलरी में शामिल हैं इनके ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम कलेक्ट करने की कोशिश करें that's all of today's lecture dear students i hope you might have uh, understood all the concepts and the short questions uh, from this part of the lesson and synonyms as well if you have any problem if you have any question you may comment in the comment section below i'll be there to answer your questions till some next lecture take a very good care of yourself and your dear ones thank you very much